ये पकड़ना, ये गर्दन लगाए ठीक, और अपने हाथ को इसमें ये एंटरलॉक कीजिए, ऐसे एंटरलॉक, और इसको ये पकड़ लीजिए, ये क्लैप कर देना अगर प्रेशर आ जाता तो। ये देखिए आप काउंट करोगे 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर इसका चेहरा देखो कैसा लाल हो गया, आंखें देखो कैसी लाल हो गई। आप लोग शायद काफ़ी दूर दिखाई नहीं दे, मैं देख पा रहा हूँ कि आंखें तुरंत लाल हो गई इसकी। वन मोर टाइम फिर से देखिए, क्लैप करना ठीक है। ये देखिए रखे ये और ये, तीन से चार सेकंड के अंदर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लीजिए, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी, और अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा नेक चौक ज्यादा इम्पैक्टफुल है, कौन सा नेक चौक है जिसे आप लगा दोगे ना तो बंदा 1-2 सेकंड के अंदर अंदर ही गिर पड़ेगा, 1 से 2 सेकंड, जान तो नहीं जाएगी बट उसे आंखों सामने तुरंत अंधेरा हो जाएगा, तुरंत चक्कर आ जाएगा और उसका ब्लड सर्कुलेशन तुरंत रुक जाएगा, तुरंत जमीन पर गिर पड़ेगा। कौन सा सटीक तरीका है जिससे बंदे की जान भी ली जा सकती है। ऐसा तभी करें जब बहुत आप पे ऊपर कोई भारी पड़ जाए, आप जान लेने की कोशिश करें तभी इसका यूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जरा सा झड़प हुआ आप जाकर गर्दन पकड़े उसे मार डालें। सेल्फ डिफेंस जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है ठीक है, तो इसको अच्छे से केयर करके ही अपने हिफाजत के लिए यूज़ करना है। देखिए नेक चौक के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, थ्रॉट का, सामने वाले थ्रॉट का। दो चीज़ें और होती है साइड साइड में, इसको अगर आप दबाएंगे तो बंदा होपलेस होगा ठीक, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अब देखिए जो मेरा हैंड है, हैंड में जब हम इसको बैंड करते हैं तो सामने वाली हड्डी जो होती है उस हड्डी का हमको यूज़ करना है। देखिए यह है ये पकड़े और इस हाथ को, ये वाला जो हाथ है इसे इसके खोपड़ी पे पीछे लगा दिए, ऐसे हम पीछे से इसके सर को आगे धकेलेंगे और हाथ को पीछे खींचेंगे, यानी कि ये जो है इस तरीके से प्रेशर पड़ेगा, ये आगे की तरफ, पीछे से हम आगे धक्का देंगे और इस वाले थ्रोट को अपने हड्डी से अंदर की तरफ खींचेंगे। सबसे खतरनाक चोक यही होता है। देखिए ये है साइड हो जाओ, ये देखिए ये हाथ यहाँ, इसको यहाँ नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ये नहीं है, ये गलत है, उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। ये देखिए ये पकड़ना, ये गर्दन लगाए ठीक, और अपने हाथ को इसमें ये एंटरलॉक कीजिए, ऐसे एंटरलॉक, और इसको ये पकड़ लीजिए, ये क्लैप कर देना अगर प्रेशर आ जाता तो। ये देखिए आप काउंट करोगे 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर इसका चेहरा देखो कैसा लाल हो गया, आंखें देखो कैसी लाल हो गई। आप लोग शायद काफ़ी दूर दिखाई नहीं दे, मैं देख पा रहा हूँ कि आंखें तुरंत लाल हो गई इसकी। वन मोर टाइम फिर से देखिए, क्लैप करना ठीक है। ये देखिए रखे ये और ये, 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर इंसान की डेथ हो जानी है ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा लपेटते हैं, ऐसे पकड़े रहिए, अगर हिम्मत वाला बंदा होगा तो मिनटों आपसे कई मिनट तक भी झड़प कर सकता है। अगर इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए ना, तुरंत बंदों को गिरा देना है नीचे, तो आप क्या करेंगे इस हड्डी का, इस बोन का, ये मुड़ गया, इस बोन का यूज़ करना है आपको ठीक है। कुदरत ने इसे इसीलिए बनाई है, ये ऐसे चलने नॉर्मल है, ऐसे जब हम बैंड करते हैं इसमें ताकत अथाह हो जाती है, अथाह ताकत हो जाती है इसके अंदर, बंदे की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से आपको चोक लगाना है, यहाँ से ये और इस वाले पाम का यूज़ करना है इसके पीछे खोपड़ी पे, और इसको यहाँ से एंटरलॉक रखना है और ये पकड़ लेना है ठीक। पहला, दूसरी टेक्निक क्या होती है हमारी जो सबसे इम्पैक्टफुल है, वह है सामने से। देखिए अब बंदा सामने खड़ा है और मेरी से झड़प हो गई, इसने कॉलर पकड़ लिया या कमर, कई पहलवान टाइप के लड़के होते ना ऐसे उठा के आपको पटकने की कोशिश करते हैं, तो उनका इलाज क्या है, उनका इलाज है देखिए, ये सामने अगर इनके पकड़ भी लेता है, पकड़ मेरी कमर पकड़ लो सूरज, देखिए यह एक उंगली से भी मैं छुड़ा सकता हूँ, एक उंगली से, पावरफुल बंदा हूँ मैं एक उंगली से छुड़ा दिखाता हूँ, पकड़ो तो सिंपल। ये देखिए मैं करके आ रहा हूँ, इसके हाथ, ये जो नोड है ना, ये थ्रॉट है जहाँ से कोई सा पानी अंदर जाता है, उस वाले थ्रॉट पे इस हड्डी को रखिए और पीछे की तरफ जर्क कर दीजिए। आप किसी दोस्त को बुलाओ या फैमिली मेम्बर को बुलाओ, उसको यहाँ पर रख के हल्का सा प्रेशर डाले, देखो कितना इम्पैक्टफुल है। मैं जो वीडियो बना के देता हूँ ना आपको, वो 100% वर्क करता ही है।
पहले मैं उसे ट्राई करता हूँ, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तभी मैं आपको टीच करता हूँ। और ऐसे ही अच्छी अच्छी टीचिंग लेने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप अच्छे से पूरा कोर्स करके ना अपना करियर शुरू कर सकते हो, ब्लैक बेल्ट करके, पूरा मार्शल आर्ट्स का कोर्स करके। मैं चार तरीके के गेम कराता हूँ, बुद्ध मार्शल आर्ट्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट है, सेल्फ डिफेंस, अटैक डिफेंस, वेपन्स लाठी तलवार नंचक, जंगल सर्वाइवल टेक्निक, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके बाद ताइक्वांडो, अच्छा गेम है, बहुत प्यारा गेम है ताइक्वांडो, कराटे शोटोकन, कुंग फू वुशू, ये चार गेम में मैं आपको ब्लैक बेल्ट करा के बहुत आगे तक भेज सकता हूँ। तो जुड़ जाइए तुरंत और इसका यूज़ कीजिए इस प्लेटफॉर्म का, और अपना करियर बनाइए, और आप यहाँ से क्लब भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, सामने से हमने जो अटैक किया वो कहाँ किया, इसके इसको ये शोल्डर को पकड़ ली, ये शोल्डर, ठीक, ये शोल्डर, और ये जो एल्बो है ये बाहर की तरफ, ये शोल्डर, ये ऐसे नहीं, ये नीचे नहीं, ये एकदम फ्लैट, यहाँ से ये बगल में जाएगा, ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए, ये बहुत बुरा पेन होगा ऐसे। अब देखिए दूसरे तरफ से, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ, और इसको ये पकड़ लीजिए, इसको ये इस तरीके से तुरंत बंदा छोड़ करके हट जाएगा। आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो इसके बाल को, कान को या आँखों को ऐसे ऐसे चुभोइए और साइड में उठाइए, ठीक, और साइड में उठाने के साथ साथ यहाँ पे आप कस के ऐसे ऐसे धक्का दे दीजिए, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे साइड में धक्का दे दीजिए, बंदे की हालत ख़राब हो जाएगी, तुरंत छोड़ के हट जाएगा आपको। ये जो तीन टेक्निक है ना, तीन नहीं मल्टीपल टेक्निक, चार पाँच टेक्निक्स हैं। पहला जो है वो हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है, ठीक, फर्स्ट। सेकेंड टेक्निक ये भी है, उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। थर्ड टेक्निक क्या है, सामने से हमें इस थ्रोट के ऊपर प्रेशराइज़ करना है, ठीक, और साइड में भी आप इसे प्रेशराइज़ कर सकते हैं। तो इन टेक्निक के साथ आप किसी भी बंदे की हालत ख़राब कर सकते हो। आपसे डबल बंदा भी है ना, इतना ऊंचा भी है, मान के चलिए कि मेरे से एक फीट ऊंचा, इतना ऊंचा बंदा आ जाता है, तब भी मैं उसको आसानी से डिफेंस कर सकता हूँ, और मेरी बताई हुई टेक्निक के साथ आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की अच्छी अच्छी टेक्निक सीखिए, और इस चैनल से जुड़ करके इस चैनल की वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कीजिए। मार्शल आर्ट्स इस फील्ड में अगर आप आगे जाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का मार्शल आर्ट आपने किया हुआ है, करियर नहीं बन पाया, एक बार कंसल्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको बताया जाएगा कैसे क्या होना है। और देखिए, फालतू के मैसेज मत कीजिएगा। कई लोग पूछने लगते हैं कि तुमने क्या किया, ये क्या किया। मैं नेपाल में किया, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में किया, हरियाणा में किया, और भी बहुत जगह किया हुआ है मैंने मार्शल आर्ट्स। तो मेरे बारे में आप लोग पूछ कर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ आप लोगों को, और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल दे पाता हूँ। उसमें फर्जी मैसेज आप लोग करोगे तो उसमें रिप्लाई करने में दिक्कत होती है ना। तो आप जुड़िए, पूरा प्लेटफॉर्म मेरे पास, और आपको बहुत आगे तक लेके जाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको अगर आगे लेके नहीं जाऊँगा तो मैं खुद कैसे आगे जाऊँगा, है ना। तो आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे से ट्रेनिंग करके लाइफ में ग्रो कीजिए।